मधुबनी दरभंगा जकरा शांति प्रिय जगह कहल जाय छलै आइ क्राइम कैपिटल के रूप में जे छै से अपन उपस्थिति दर्ज करा रहल छै। दोसर एकटा चीज ई जे जखन जेडीयू अहाँ संगे या नीतीश कुमार अहाँ संगे रहै छथि तो ओ पाक साफ भऽ जाइ छथि और नहि रहै छथि तऽ अहीं सब आरोप लगेनाइ शुरू करै छै। दुनू सवाल के जवाब चाही। नहि, आपने देखा है कि अपराध चरम पर पहुंचा है और अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? जब जब राजद के लोग सत्ता में आए हैं तो उनके द्वारा संरक्षण मिलने के कारण ये आंकड़ा और डाटा बता रहा है। आप ही ने कहा कि ये अपराधियों का घर बन गया है। इतनी हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण और डकैती खुल करके व्यापारियों के साथ जिस तरह से दोहन, शोषण, ये माहौल एनडीए सरकार में बहुत हद तक ब्रेक लगी थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसके लिए सजग रहती थी, रोकती थी सरकार को, और हमारे साथ पाक साफ रहते तो आज विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार पर तीन तीन कमेटी, भाजपा का एक सिपाही एक कार्यकर्ता के रूप में हम बैठे थे, हम ही ने कमेटी गठित किए थे। कहूँ एहन तो नहीं है पुनः नीतीश कुमार के आने के लिए जैसे से अहाँ सब तरह अटैकिंग मोड में छे, जहना पिछला बेर लगातार 51-52 दिन तक सुशील मोदी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रह गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ता है, सुशासन स्थापित करने की लड़ाई लड़ता है, और बिहार के अंदर जो वातावरण इन लोगों ने बनाया है इसके कारण गठबंधन मजबूरी बन जाती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है तो उससे ज़्यादा बड़ा माहौल जब अयोध्या से जो हवा, सकारात्मक वातावरण बना है, वो माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी बिहार भी पहुँचेगी। हमरा संगे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी छथि, मधुबनी अला है और नीतीश कुमार के सरकार अगुवाई में जो चल रहा है महागठबंधन के सरकार, तकरा पर बहुत जो है से हमलावर छथि। पहले तो मधुबनी में अपने स्वागत है, बड़ा हमलावर अपने देखेलो हैं, की कारण छे? यहाँ के आवाज़ को हम लोग सड़क से सदन तक उठाते हैं और जनता की भावनाओं के अनुकूल सरकार की जिम्मेवारी और नीति और नियत पर हमेशा सावधान करते हैं। लेकिन ये सरकार बिहार की समस्याओं के समाधान की बजाय भ्रमित करने का, लोगों को वरगलाने का और उन्माद पैदा करने का खेल शुरू कर दिया है। 90 की दशक में बिहार को ले जाने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। बिहार की जनता उस दृश्य को देख चुका है, समाज का बहुत नुकसान हो चुका, कई स्टेट आगे बढ़ चुका, हम जहां थे उससे पीछे चले गए। इसलिए अब सभी लोग मिलकर गौरवशाली बिहार, जिसकी सांस्कृतिक विरासत पूरे देश नहीं दुनिया में हमको गौरव प्रदान करता था, उसको प्राप्त करने के लिए इस तरह के लोग जो 10% नौ सामंतशाही लोग हैं जो सत्ता में बैठे रहने के लिए एन किन प्रकारेन परिवारवाद के वातावरण और भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरे बिहार को परेशान करते हैं, इससे मुक्ति की लड़ाई के लिए हम लोग अपनी आवाज़ को जमीन पर लाते हैं। संख्या बल के दृष्टि है से हो अहाँ सब बहुत सशक्त छी और चूंकि नेता प्रतिपक्ष छे तें अहाँ के जिम्मेदारी बनैत अछि। दूटा सवाल, पहिल सवाल ई जे मधुबनी दरभंगा जकरा शांति प्रिय जगह कहल जाय छलै आइ क्राइम कैपिटल के रूप में जे छै से अपन उपस्थिति दर्ज करा रहल छै। दोसर एकटा चीज ई जे जखन जेडीयू अहाँ संगे या नीतीश कुमार अहाँ संगे रहै छथि तऽ ओ पाक साफ भऽ जाइत छथि और नहि रहै छथि तऽ अहीं सब आरोप लगेनाइ शुरू करै छै। दुनू सवाल के जवाब चाही। नहि, आपने देखा है कि अपराध चरम पर पहुंचा है और अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? जब जब राजद के लोग सत्ता में आए हैं तो उनके द्वारा संरक्षण मिलने के कारण ये आंकड़ा और डाटा बता रहा है। आप ही ने कहा कि ये अपराधियों का घर बन गया है। इतनी हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण और डकैती खुल करके व्यापारियों के साथ जिस तरह से दोहन, शोषण, ये माहौल एनडीए सरकार में बहुत हद तक ब्रेक लगी थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसके लिए सजग रहती थी, रोकती थी सरकार को, और हमारे साथ पाक साफ रहते तो आज विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार पर तीन तीन कमेटी,
भाजपा का एक सिपाही एक कार्यकर्ता के रूप में हम बैठे थे, हम ही ने कमेटी गठित किए थे। सत्ता में बैठे हुए भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के विषय को हम ही ने रखा था। ऐसा नहीं है, गलत को कहने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास ही है। ये राजद के लोग, माले के लोग, कांग्रेस के लोग आज सब गलबहियां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबकी नीति और नियत एक समान है और सब पोषित करते हैं इस तरह के अपराध और भ्रष्टाचार की मानसिकता को। राज्य के कार्य समिति के यहाँ सभक जो बैसार छल ते दिन अहाँ सब बातचीत केने रही, एम्स के लक बड़ा मुखर रही अहाँ सब, तो कहूँ एहन तो नहीं है जे पुनः नीतीश कुमार के आने के लेल जे से अहाँ सब एहि तरह अटैकिंग मोड में छे, जहना पछिला बेर लगातार 51-52-55 दिन तक सुशील मोदी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रह गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ता है, सुशासन स्थापित करने की लड़ाई लड़ता है। और बिहार के अंदर जो वातावरण इन लोगों ने बनाया है, इसके कारण गठबंधन मजबूरी बन जाती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है, तो उससे ज़्यादा बड़ा माहौल जब अयोध्या से जो हवा सकारात्मक वातावरण बना है, वो माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी बिहार भी पहुँचेगी और वो वातावरण का समापन की ओर आगे कदम बढ़ चुका है। धन्यवाद। तो ये छला है विजय कुमार सिन्हा जो कहलन है जो हवा अयोध्या से उठली है तकर अंत जे छे से मिथिले में हेतु। सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, मधुबनी।